पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो केंद्रपाड़ा के गरदपुर में 33 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डे टेम्परेचर की बात करें तो पार्लेखा मुंडी में 35.6 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर गया है। भुवनेश्वर का तापमान 34.4 और कटक का भी 34.4 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मानसून टोटल कम्युनिटी रेनफॉल की तो 1 जून से लेकर आज 12 सितंबर तक 943.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से अभी भी 8% नीचे चल रही है। अब बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो अभी हमारे जो आसपास जो सिस्टम है उसकी वजह से बारिश होगी। उड़ीसा के ऊपर कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं है, जिसमें कि मानसून ट्रफ की बात करें तो वो जो है अमृतसर, दिल्ली, सेंटर ऑफ डिप्रेशन और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और नेबरहुड से नौगांव, चर्क, डेहरी, पुरलिया, कैनिंग से होता हुआ साउथ ईस्ट और जाता हुआ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल तक जा रहा है। उसके अलावा एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट सेंट्रल म्यांमार नेबरहुड पे थी कल वाली, वो अभी साउथ ईस्ट बांग्लादेश और नेबरहुड पर है और समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर हाइट के ऊपर बनी हुई है। इसके इन्फ्लुएंस के अंदर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है ओवर कोस्टल बांग्लादेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर अगले 24 घंटे में। उसके बाद अगले 48 घंटे में ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड की तरफ मूव करेगा और यह एक इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन के रूप में कोस्टल वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर रहने की संभावना रख रहा है। तो इन सिस्टम के प्रभाव की वजह से आने वाले दिनों में वेदर फोरकास्ट की बात करें तो डे वन में वो पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा डे वन में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक दो स्थान पर हो सकती है, उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, आपका कोस्टल उड़ीसा पूरा, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। डे टू यानी 13th को कालाहांडी जिले में आइसोलेट रेजे हैवी रेनफॉल के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है। उसके अलावा सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, इन सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना है। उसके अलावा साउथ उड़ीसा के भी जो येलो अलर्ट देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर साउथ कोस्ट उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 14 तारीख को सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बारगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से। 15 तारीख को जो सिस्टम आगे मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से फिर मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।